शबीर इकबाल के भी अलविदा में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। निजामाबाद में एक जश्न हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मनाया गया। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ हिंदुल वली अताए रसूल हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्से शरीफ के पेश नज़र ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल निजामाबाद के जहर एहतमाम कल बरोज़ जुमेरात बतारीख 18 जनवरी 2024 को खानकाह गाजी मुर्तजा अमन नगर फूलबाग कॉलोनी में जश्न हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मनाया गया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में हजरत सूफी यूसुफ मिर्ज़ाई खादरी अल चिश्ती बियाबानी जामाए सलासिल सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निजामाबाद ने की। महफिल के आगाज में दरूद शरीफ का दस्तर सजाया गया। बादशाह सूफी वहाब खादरी साहब ने हमदे बारी ताला व नात पेश की और बुलबुल बाग मदीना निजामाबाद मशहूर व मारूफ नात खां जनाब मोहम्मद शौकत रजा खादरी साहब ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात व मनखबत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पेश किया। जबकि निजामाबाद के शोला बयां मुखर्रर जनाब मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन कमाल साबरी साहब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम की तबलीग और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी व बातिनी कशफ व करामात को अपने बसीरत अफरोज खिताब में गोशो गुजार इस जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में शिरकत करने वाले काबिले जिक्र हजरात में जनाब अहमद वली सिद्दीकी खादरी साहब सदर मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल रुकने कौंसल जनाब सूफी मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाजी जामाए सलासिल जनाब सूफी शाह सैयद दाऊद अली शत्तारी व खादरी साहब जानशीन व सज्जादा नशीन खानकाह बुरहानिया शत्तारिया नागाराम निजामाबाद जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार इफ्तिखारी साहब जानशीन खानकाह इफ्तिखारिया खादरिया निजामाबाद जनाब सालेख अली रिजवी साहब जनाब मोहम्मद सादिक खादरी सूफी सुहेल खादरी सूफी मुश्ताक अली खादरी सूफी शमसुद्दीन मकसूद मोहम्मद अब्दुल सलाम मोहम्मद इम्तियाज के अलावा दूसरे हजरात ने शिरकत की। इस जश्न हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अख्तिताम पर सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी साहब ने इंचार्ज ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।